गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एंटी ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हमें ऐसे प्यार करते रहिए, हम आपको और नया नया एंटरटेनमेंट दिखाते रहेंगे। तो मेरा हस्बैंड बहुत दिन से महीना से रोटी खा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा पेटुआ हो गया। पेटुआ होने की वजह से उसका शुगर लेवल हाई हो गया, प्रेशर है, जो कि उसका मम्मी पापा का बीमार दोनों पूरा लग गया। तो ऐसा हो गया उसको रोटी खाओ बोला है, चावल नहीं खाना है। तो उस दिन से हम ही बना दे रहा था, तो हम एक दिन उस दिन बना दिया था दो बार। सेब साइज बहुत ही घटिया हो गए, इंडिया पाकिस्तान का जैसे हो गया पूरा, कहाँ से नाक मुंह निकल रहा था। आज आप लोग हम दिखाएगा मेरा सेब साइज, तो आपको हम बताएगा रोटी कैसे बनता है उसको हम बताया दिखाएगा बाद में फाइनल को। तो देखिए आप कितना आदमी के लिए खा रहे हो और कितना रोटी गुटी चाहिए, मतलब ये रोटी कितना पीस चाहिए। तो ये मेरा आयो का सिखाने वाला है। अभी ऐसे लीजिए ये रोटी, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः तो छः जो इसलिए हम थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इसमें डालेगा क्योंकि ऐसे करते समय जरूरी होगा। तो यहाँ में छः रोटी आराम से निकल जाएगा, छः रोटी। तो अभी बता दिया कि अंदाजा नहीं होने वाला, लोगों को हम बता रहे हैं, हम भी नया नहीं पहले भी हम बना दिया था। तो पहले जब हम लोग एक साथ वहाँ में बैठता था तोपड़ा घर में, पहले का किचन में, जब ये बिल्डिंग नहीं बना था। और इसके लिए गर्म पानी से कीजिए, गर्म पानी से करने से रोटी जो नरम होता है, ये मेरा मम्मी का भी हमको सिखाने वाला है। मेरा मम्मी तो बहुत अच्छा रोटी बनाता है क्योंकि मेरा पापा जो वो है तो BSF था, तो फौजी में था, इसलिए मेरा मम्मी बहुत अच्छे से रोटी बना सकता है। इसलिए हम लोग का सब दीदी लोग रोटी बनाने जानता है, सिर्फ हम थोड़ा एक्सपर्ट नहीं है। ओके गाइस देखते रहिए। इतना तेरे लिए मैं क्या जानूं, तू जाने ना। काम करने वाला अच्छाई को भी खुद का भी कभी कभी दिखाना जरूरी है। नहीं से क्या सोचेगा, ये तो सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में इस तरह करके बैठते रहता है, ऐसे भी कोई कोई सोचने वाला होगा, लेकिन मेरे व्यूअर्स लोग नहीं सोचते, आप लोग और लोग सोचेगा जो हमको नहीं दिखते है ना। क्या चाहते है जितने सकेगा रोटी को पूरे, यहाँ में बहुत मैटर करता है रोटी का ना दोस्तों। इसको जितना ऐसे दबाएगा उतना नरम होगा रोटी, खाने के लिए मज़ा होगा। सिर्फ मेरा प्रॉब्लम सेब साइज ऐसे गुराने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें परफेक्ट नहीं होगा अभी तक। हस्बैंड जी के लिए, दिस इज फॉर माय हस्बैंड हियर रोटी बनाते हुए। तो देखिए एक चिक छः तो निकला है, मैंने बोला था ना छः होगा, 1 2 3 4 5 6। तो आज रोटी का साथ साथ सब्जी मीट वगैरह भी बन रहा है, और वो चिकन मेरा बहन चिकन को बनाएगा बच्चा लोग के लिए। और आज बहुत दिन बाद मेरा देवर जी घर आ गया, और मेरा वो मतलब मेरा हस्बैंड का छोटा भाई, उसके बाद मक्तर जो जीजा जी है घर का, मकबो रवा वाला वो भी है। हम लोग परसों भी खाया था मेरा फ्लोर में, लेकिन उसको ब्लॉग नहीं बनाया, आज थोड़ा बना ही लेता है बोल के। तो वही किचन में थोड़ा काम शुरू, छाड़ू मैं हूँ भोज किचन का, मेरा हेल्पर नंबर टू, ये बहुत अच्छे से सब्जी किस्ती बनाता है बेचारा। हम भूत चेहरा आने का यहाँ पे बन रहा है बॉल ओलाप और ईकू और लोकल मछली सूखा वाला डाला है जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक। ये मेरा भाभी का, जो मेरा बर्न है भाभी, उसका माँ बांगो से ला दिया था। तो थैंक यू सो मच बांगो ने आपको, और हम लोग सभी मिल के खाएंगे। और यहाँ पे बनते हुए मछली थोड़ा, ये कटला मछली जो मज़ा नहीं है फ्राई करने में। और यहाँ पे बच्चा के लिए बन रहा है चिकन फ्राई, ड्राई फ्राई, इसका मेरा बहन बना रहा है। तो किचन इस तरह अभी देख रहे हैं, और ये खाने वाला कस्टमर पैसेंजर पर मैं यहाँ नहीं, मेरा बेटा ये बनते हुए सब ऐसा ऐसा है, देखिए थोड़ा बनने बनेगा। और ये मैंगो पूरा पका है सब, और ये ऐसा गारू कुछ भी नहीं लेने मलाई का बोटी, देखिए मलाई का मैं लोग सब्जी बनाते समय ऐसे बनाते होंगे, देखिए होगा सिमरन
तो मैं क्यों ले रहे हैं जा देख जाई तेरे वही सोना गावे ये मेरा बेंदेला को देखिए इसी में मेरा ये इसी में मेरा गंडोगोल हो जाता है ये एक करके रखा है जिसको हमें देख के बहुत ही हंसी आता है मेरे कारण के कुछ कर नहीं है मेरा मालूम ऐसे ऐसे से करके बुराने से ना ये सब घुरता है फिर हम लोग हो गए जैसे भी हो मेरा पति को खाना पड़ेगा क्या बोला है ये पीछे में देवर जी बात कर रहे हैं तो पहले ये देखिए देखिए फिर से तेरा हो गया दांत नंबर अब ये मुझे चैलेंज किया है कि हमसे ज्यादा अच्छा बनाएगा मुझे हाँ ऐसे ही बुलाता है मेरा मावे सही को मानो अरे इतना सुंदर से बना रहे थे छोटा देवर ये एक तो वाला है वो जो ईटानगर सा है वो वाला देवर अलग है ये अलग है ऐसा करने का उल्टा है नहीं आने आने जल्दी करता ठीक है मेरा देखिए सेफ साइज तू ना तेरी हो फिर भी मुझे प्यार करेंगे हम तू आयो ना आयो इंतजार करेंगे हम इंतजार करेंगे लेकिन टेस्टी तो होगा चाहे सेफ साइज जैसे भी हो टेस्ट तो बढ़िया होगा चला रहा है बहुत नरम हो रहा है खाने वाला एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा अरे जाने ये 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 पसीना यार करना अरे ऐसे सेल्फी लेने का चक्कर में मेरे जोड़ने वाला I love you, my darling. I अरे ये तो ज्यादा ही हो गया गाइस ये हम खुद भी बना के वो जोकर लग रहा है देखिए देखिए दो तो दो आग निकल गया एक ये और क्या क्या बताने कैसे कैसे लग रहा है आप लोग बताइए कैसा लग ये कुछ जानवर जैसे फील आ रहा है देखिए तो पाओ पाओ जैसा लग रहा है अब भाई ये तो ज्यादा ही हो गया बेचारा कुछ भी हंसी लग रहा है कुछ भी जोकर लग रहा है देखिए तो ये सबसे टेस्टी लगता है इसमें ना मरसा है और ये ओको मामा आदि में बोलते हैं और मिर्चा को गुटा गुटा फ्राई किया है और ये डीला आप लोग जो लोग ऐसे फ्राई करके नहीं खाया आप लोग खा के देखिए ये बहुत टेस्टी होता है ऐसा देखिए रोटी को ये रोटी एक्सपायर है मगते आ गया अभी आ गया एक दीता को निकाल के देखिए ना मगते नहीं ऊपर का तो वैसा ही न्याना का बनाने वाला होता होगा न्याना भी बनाता है बुंगम काला नीर काला बुचिन बना दिया एकदम बोलना मुको हम ये देखो ना तावा में बिल्ली का सेब आग दिए गुत्ती एल्बम देते तो रख के ना अच्छा तावा में सीधा जलाया हां पूरा नीला नीला पकने दिया कपड़ा इसे गला कपड़ा का जैसे ले गई मत बजे मैं राजा वेलकम बैक टू केएमटी ब्लॉग जो सीसी के मेरा प्रीवियस ब्लॉग में आप लोग देखा था ये बहुत कॉमेडी है कभी दिन इसका साथ एक ब्लॉग बनाया मगते ही जी ये मेरा एक तरह से वापस आ गया ना लगन जा निर्णा मचन का कि नहीं चलो जब लगे सबसे छोटा देवर हम लोग खाना खाया एक साथ डिनर
रोटी का वेबसाइट ये खाने 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 रोटी है ना पापड़े मार ये लापसी नहीं कपड़ा जैसा भी है अच्छा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रोटी मत करो को लाता है मत करो को लाता है बस रहा मजा है आप लोग क्या खा रहा है खाना खा रही है खाना जी आप लोग आप अच्छे से खाया हां बहुत बढ़िया से खाया सब्जी कैसे था बहुत बढ़िया था बहुत टेस्टी है ना देखिए डस्टबिन ये मेरा हड्डी इससे पता चलता है कितना ज्यादा खा लिया होता है ओके आपका भी मतलब इतना गाना गोंगो पे लगे हैं पगर देखो मगर बॉलीवुड गाना को गोंगो है मेरा बुबू से इतना ज्यादा क्यों निकल गया तुम्हारा इतना कौन क्यों पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है मेरा एक दम कोई काम खाना खाया ना नहीं खाए इसका चबाना शुरू हो गया मामा मत मत हम बहुत डरते बोली मारा मारी मारा मारी और ए हमक दे अच्छी रे हमको तो गलती से मैं मत मारो बुरा लोग का सेल्फी और फोटो किसने का स्टाइल ना अंकिल लोग कैसा होता है ना देखिए आप ये है ना लोग सामने हम बदो दो ना गा के ना हैंडसम है रे मेरे देवर इससे सिंगल है रे मैंने बताई सिंगल कैंसम ये जेएनसी कॉलेज में जब पढ़ता था बहुत इतना हिट था मेरा देवर पूरा डांस में नंबर वन मिमिक्री करके कभी दिन हम इसके लिए अलग से ब्लॉग बनाएगा जहाँ पे इसको ये सब सेलिब्रिटी का मिमिक्री कर सकता है मेरा इसका इस ना दोनों कहा खो गया होगा सब पैसा का बात पैसा 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 बोलता है ये भी ना ये मकते है इसका ये भी सुंदर वाला लड़की दिखता है मकते को शेयर करता है मकते दो जैसा है गाइस ऐसा मत सोचिए कि हम जो लड़की का बारे ये सब अपना ही मकते का सामने बोलते हैं ऐसा नहीं हम लोग पूरा दोस्त जैसा है हम लोग पूरा फ्री है हम लोग हर चीज हम लोग शेयर करते हैं बात इसलिए ओके बाय गाइस यहाँ तक था और मेरा रोटी खा के बहुत अच्छा लगा बोला तो थैंक यू सो मच गाइस आई लव यू बाय सी यू सून शुभ रात्रि